अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो बिल गेट्स के बताए हुए 10 रूल आपको जरूर सुनना चाहिए। नंबर 1, अपने काम को लेकर ज्ञान होना और हमेशा ऊर्जावान रहना। बिल गेट्स कहते हैं, यदि आप कोई भी नया काम या कोई नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, आपको इतनी ऊर्जा और उत्साह की जरूरत होती है जिससे जोखिम भावनाएं दूर हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत बिल गेट्स पॉल एलन के साथ मिलकर शुरू की थी। उस समय बिल गेट्स 20 साल के थे। कंपनी दिवालिया होने की स्थिति में थी, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा था। उनको इस बात के भी चिंता हो रहे थे, क्या कर्मचारी को भी सैलरी देने के लिए पैसा हो पाएंगे। इसलिए उनका मानना था कि जो लोग कंपनी शुरू कर रहे हैं उनके पास कुछ ज्ञात जोखिम लेने के लिए पर्याप्त ऊर्जा और उत्साह होना चाहिए। बिल गेट्स सिर्फ 13 साल के थे जब उन्होंने कंप्यूटर के साथ काम करना शुरू कर दिया था। उनका कहना है, आप जितना जल्दी शुरू कर देते हैं आप दूसरे के तुलना में उतना ही ज्यादा जल्दी से जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं। यदि आपका कोई सपना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो अभी शुरू करें। नंबर 2, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बिल गेट्स ने दिनों के साथ साथ रातों में भी काम किया करता था। जिस दिन छुट्टी भी रहता था तो सभी सो रहे थे लेकिन वो काम करता था। बिल गेट्स कहते हैं कि मेरी इतनी बड़ी सफलता कड़ी मेहनत के द्वारा ही हो पाया है। नंबर 3, भविष्य का निर्माण। आप जो भी काम कर रहे हैं इस बात पर फोकस रखिए कि भविष्य में उसका क्या परिणाम मिलने वाला है। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आप अपने काम से भविष्य का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं। आपको यह मालूम होना चाहिए भविष्य में आपका कस्टमर की डिमांड क्या होगी और आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहे। नंबर 5, आप जो काम कर रहे हैं उसे आनंद पूर्वक कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आनंद लीजिए। बिल गेट्स कहते हैं कि उनकी सफलता का कारण एक प्रमुख कारण ये भी है कि उनके स्मार्ट लोगों के साथ काम करने और नए नए समस्या पर काम करने में मजा आता था। नंबर 6, जितना जल्दी हो सके अपना खुद का बॉस बने। बिल गेट्स कहते हैं, यदि आप अपने सपना को निर्माण नहीं करते हैं तो कोई और आपको सपने के निर्माण करने के लिए आपको नौकरी पर रखेगा। नंबर 6, दूसरों से भी सलाह लें। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जो बोल रहा है वही करे, सुने सबको, करे खुद का। बिल गेट्स कहते हैं, जब कोई विचार उनके दिमाग में आता है तो उसे अपने भरोसेमंद और जानकारी रखने वाले लोगों से सलाह लेते हैं और उनको करने का तब निर्णय लेते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको विचारों को मजबूत मिलती है। नंबर 8, अच्छे लोगों को शामिल करें। उनका कहना है, एक कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह का लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। हमेशा अनुभवी मेहनती लोगों का चुनाव कीजिए। नंबर 9, अपनी गलती का इल्जाम दूसरे पर मत लगाइए बल्कि अपनी गलती से सीखे। बिल गेट्स कहते हैं कि आपकी गलती आपकी है, दूसरे को दोषी ठहराना कोई फायदा नहीं। आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। नंबर 10, जीवन ऐसा नहीं है जैसे आप चाहते हैं। बिल गेट्स कहते हैं, जीवन उचित नहीं है, इसकी आदत डाल लो। आप जो चाहते हैं जरूरी नहीं है कि आपको ये मिल जाएगा, इस बात को स्वीकार करना होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा, आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी चीजें आपके हक में नहीं होगी। आपको आगे बढ़ते रहना होगा, इसके लिए आपको हमेशा अपने आप को मजबूत बनाना होगा। जीवन उचित नहीं है, ये एक परीक्षा है, एक खेल है और एक जोखिम भी है। और यदि आप नीचे तो गिरते हैं और परेशान नहीं होते हैं और भी कोशिश करते रहते हैं तो आप सफल होने के लायक हैं। विजेताओं को पता है जीवन उचित नहीं है और वह जब तक उठते रहेंगे जब तक उन्होंने उसे पा ना लिया हो। वही लोग एक विजेता बनता है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी ऐसे ही लोग बनते हैं। बिल गेट्स का ये 10 रूल था। अगर आप अपने लाइफ में ये फॉलो करते हैं तो एक न एक दिन जरूर आप भी अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला तो जरूर लाइक करें और अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।